हेलो गाइस, सभी को राम राम। आज मैं गोगामेडी मंदिर में आया हूँ। गोगामेडी भादरा से 25 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ श्री गोगा जी महाराज का प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य मेला लगा हुआ है। और मेला एक महीना लगातार चलता रहता है। और ये ऊँटों का मेला भी यहाँ लगता है, जो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। पर अब की बार बीमारी होने के कारण ऊँटों का मेला लगा नहीं, क्यों गायों में यहाँ भयंकर बीमारी आई हुई है। ये देखो दोस्तों, ये मेला लगा हुआ है। दोस्तों मेला बहुत गजब का लगा हुआ है। ये हिंदुस्तान का शायद पहला मेला होगा जहां जो लंबा एक महीने तक चलता रहता है। अभी शाम होने वाली है और शाम के वक्त और भी ज़्यादा मेला भरेगा, क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। गर्मी होने के कारण सभी श्रद्धालु अपने धर्मशाला में अपने अपने ठिकाने पर बैठे रहते हैं। जो जो शाम होती है, ये मेला बहुत ही भयंकर भर जाता है। ये एक धार्मिक गोगा जी महाराज का प्रसिद्ध मेला है, जो भादरा से 25 किलोमीटर दूरी पर है। ये गोगा नवमी के दिन ज़्यादा भर जाता है, लेकिन फिर भी यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों ये है मेले की झलकियाँ। मेले में पसी चीज लेने के लिए बांस का डंडा होता है, बांस का डंडा। अब दिखाऊँ डंडा कौन सा है बांस का, ये देखो भाई साहब, ये अब दिखाऊँगा आपको पास हो के। ये है भाई, ये डंडा पास का। ये कितने दिए भैया, कितने दिया? 100 रुपये का। ये प्रदीप भाई, एक डंडा लेगा, घर पे जाके अपनी बीवी से पीटा जाएगा। ये बात है, ले लो भाई, ले 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 ले। ये रंगीन वाला है, रंगीन वाला, रंगीन वाला, रंगीन वाला दे, रंगीन वाला। ये 120 रुपये का बोल रहे भाई, 120 रुपये का। मेला में प्रसिद्ध यही चीज़ है, बांस का डंडा, जो बड़ा रंग बिरंगा बनाया हुआ है और उसमें तार लगाए हुए हैं। ये देखो भैया, ये देखो भैया, ये बच्चों के लिए ट्रैक्टर है भाई। ये देखो दोस्तों, दोस्तों ये धार्मिक चीजों की दुकान है, जहाँ पर ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये धार्मिक वस्तुओं की दुकान है।
ये है मेले की झलकियाँ। तो बढ़िया है नहीं तो बात है वो तो ये है मंदिर, धारीवीर गोगा जी का ये मंदिर है गोगा जी।